मिट्टी या टॉवल डालेंगे, उसके बाद वार्म वाटर, ठीक है, गोज पीस डीप किया, इसी में डीप करके निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद एक गोज पीस और उठा रहे, तो भी ठीक लग रही छोटे से हम सुनो 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 पहले समझो यार। छोटे गोज पीस से हम नेल गीला करेंगे, ठीक है, ऐसे रखा अगर नेल पेंट लगा हुआ है तो साफ करेंगे, ठीक है, सबसे पहले उसके बाद उसको गीला करेंगे। गीला करने के बाद एक दो मिनट छोड़ देंगे जो उनके सर मुलायम हो जाएंगे, हाँ, ताकि उनको दर्द ना हो या फिर कटे फटे ना, इधर उधर से मुलायम हो जाएंगे। सर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, ओल्ड एज जो होते हैं, उनके नाखून टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं ना, सॉफ्ट काट रहे होते हैं यहाँ से और कट जाते हैं दूसरी जगह, कट जाते हैं, इसलिए गीला करना होता है। गीला हो गया, गोज पीस लिया, गोज पीस लेने के बाद नेल कटर, ठीक है, दो मिनट के लिए, बस उंगली ली, उंगली पहले एक उंगली करेंगे नेल काटा, फिर दूसरी उंगली नेल काटा, इसको लपेट दिया ऐसे, दो बार फोल्ड कर देंगे ऐसे और ऐसे, किडनी ट्रेन करेंगे, ठीक है। दूसरा गोज पीस लिया, दूसरा गोज पीस लेने के बाद भी एक उंगली रखी काट दिया, दूसरी उंगली रखी ये भी काट दिया, ठीक है, इसको भी रख देंगे। तीसरा गोज पीस लेंगे सर, मतलब एक हाथ के लिए हमारे को पांच गोज पीस लेने पड़ेंगे, एक ही गोज पीस में नहीं हो पाएगा सर, एक मिनट, एक हाथ के लिए दो तीन पीस चाहिए, दो भी चल जाएंगे, दो चल जाएंगे सर। ये काट के रख दिया, इसके बाद गोज पीस लेंगे, फाइलर लेंगे, ठीक है, एक एक उंगली का भी कर सकते हो फाइलर, हाँ, हाथों की तो एक एक उंगली का करना पड़ेगा, ऐसे करिए, दूसरी का कर लिया, तीसरी का कर लिया, चौथी का, पांचवी का, ठीक है, हो गया फाइलर। फिर उसके बाद बॉडी लोशन लेंगे, बॉडी लोशन निकाला हाथ से डाल, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं के कैसे के पूरे हाथ लथपथ हो जाए, थोड़ा लेना नखून ऐसे क्लियर, हाथ मतलब एक हाथ से ऐसे करवा लेंगे ना, ठीक है, हाँ हाँ यही तो, यही लिया ऐसे करा के, ठीक है, हो गया, ग्लव्स उतारेंगे सर। अगर हम जैसे मान लो अगर अपने हाथ में ना डाल के अगर गोज पीस नीचे रख के और थोड़ा सा गोज पीस में ले गए अगर उन पर लगा दे तो नहीं नहीं समझे नहीं सर, मतलब थोड़ा थोड़ा ले लेके ना उन पर लगा दो नखून पे तो कोई ऐसा नहीं सकता गोज पीस से, सारा बॉडी लोशन आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इससे मिला अपना। तो सर हम हाथ में लेके करेंगे तो बैग पे गिरने का भी तो डर है उनके, क्यों गिरेगा इतना, मैंने पहले ही बोला ना इतना नहीं रखना है जिससे कि आपको दिक्कत हो पेशेंट को दिक्कत, जरा हा ले लो रख के हाथ में ऐसे घुमा दो, वो सारा भी यूज हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद सर हम ग्लव्स क्यों उतारेंगे, ग्लव्स इसलिए उतारेंगे क्योंकि नहीं ये मैंने मोड़ दिया अंदर अंदर, ठीक है,
और पैसेज के ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं गिरेगा, इस पे नेल पड़े हैं, ठीक है। वैसे नेल हमने बहुत पीस में लिए, इस पे एक आध नेल गिर गया तो गिरेगा, पहले ही फोड़ कर लिया, ठीक है। अब तो आ जाएगा, नहीं जाएगा ये रखना ऐसे ही दूसरी तरफ। क्या होगा ऐसे कैसे करा दो ये ग्लव्स इसलिए होता है क्योंकि बॉडी लोशन जो है ना, ये हमारे हाथ पे लगा गया, ठीक है। ये लगा रहे, कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई सारा ही आप उसे ले दोगे, नहीं ले पाओगे ना, तो उतारना पड़ेगा। नया ग्लव्स लेना पड़ेगा उसके लिए। हाथों का अलग अलग करना होगा सर जी, बॉडी लोशन तो जब लगाएंगे ना, जब हम एक बार इसको पूरा कर देंगे अपना, एक हाथ का कंप्लीट करना होगा फिर बॉडी लोशन लगाएंगे। नहीं सर, मैं क्या जैसे कर रहा हूँ, हैंड और पैरों का दोनों को एक साथ करके फिर लगाते बॉडी लोशन, तो ऐसा भी हो जाएगा है ना। कुछ हॉस्पिटल में ग्लव्स की कमी होती है, मैंने भी हॉस्पिटल में काम किया है और एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। अगर ग्लव्स कम है तो पहले हाथ और दोनों हाथों के करके एक एक पैर ग्लव्स में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लिया वो पैरों में हो जाएगा, ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और बस उसके बाद अपना पीस करो, बायोमेडिकल वेस्ट जाने के बाद, क्योंकि आप अपने साथ लेके जाओगे ना कि उसे पेशेंट के रूम में रखोगे, ठीक है। जो वाटर है वो वॉशरूम में डिस्पोज कर सकते हो। ये सब येलो कंटेनर में, हाँ ये इन्फेक्टेड है, ये इसको येलो में डालेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट का तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, ठीक है। अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ।